दुनिया से देखा था, उसके बाद जरा गुलाम साहब फिर चंदा शाह पेश करेंगे, उसके बाद गुलाम शताब्दी का राज अंजाम देंगे। पेश करता हूँ कि जन्नत का शाहजादा पिसर फातिमा का है, बीबी जैनब के हवाले से, कि जन्नत का शाहजादा पिसर फातिमा का है, कि कहते हैं खुद जिसको वो घर फातिमा का है। जन्नत का शाहजादा पिसर फातिमा का है, कहते हैं खुद जिसको वो घर फातिमा का है, कि बाबे फिदक को लूटने वाले ये जान लें, बाबे फिदक को लूटने वाले ये जान लें, पर्दे में अब भी नूरे नजर फातिमा का है, पर्दे में अब भी नूरे नजर फातिमा का है। कि शेर देखें कि लाखों बरस में लिख नहीं सकता जिसे कोई, लाखों बरस में लिख नहीं सकता जिसे कोई, 18 साल का जो सफर फातिमा का है। नारे हैदरी। कौन कहता है कि इज्जत दौलतों सरवत में है, कौन कहता है कि इज्जत दौलतों सरवत में है, असल में इज्जत बशर की दीन की खिदमत में है, असल में इज्जत बशर की दीन की खिदमत में है। दे दिया ज़ैनब ने ये दुनिया को पैगाम बेवफा, दे दिया ज़ैनब ने ये दुनिया को पैगाम बेवफा, मकसद कर वो बला सवाल फरमाएगा। आज भी जपता है शहरे कर्बला ज़ैनब के नाम, आज भी जपता है शहरे कर्बला ज़ैनब के नाम, कर दिया शब्बीर ने हर मरहला ज़ैनब के नाम, साबिरा वो शाकिरा वो ताहिरा वो ज़ाहिरा, क्या हंसी अल्फाज है सब मरहबा ज़ैनब के नाम, क्या हंसी अल्फाज है सब मरहबा ज़ैनब के नाम। आइए नमस्कार गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना खाजी सरदार हाफिज शिबला से, जरवा अफरोज मेंबर होकर अपने बसीरत अफरोज बयान से वो भी दीन के स्वरूप को रोशन और बुलंद फरमाए। सरवार पर मोहब्बत वाले मोहब्बत الرحمن الرحيم ومن يأمر بالمعروف
नेकी में तकलीफ जरूरी है, तकलीफ खत्म हो जाती है लेकिन सवाब
वक्त रह जाता है, उनको तकलीफ सहनी है, लेकिन उसका असर जो सवाब है वो वक्त रह जाता है। क्या गुरु एक सुरंग जिसे ब्रिज कहते हैं, क्या काफिला गुजरा सुरंग के अंदर से, उन्होंने महसूस किया कोई छुआ महसूस हो रहे पैरों में, चलो आने वाले काफिलों को ये तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्होंने सारे कंकुरियों को एक बोरे में जमाया। जब सुरंग के बाहर निकले तो क्या देखा, ये पत्थर नहीं थे, ये हीरे थे, ये पत्थर नहीं ये हीरे थे, और जिनके पास खूब बोरिया था वो खुश हो गए, जिनके पास आधा बोरिया था वो हाथ में लेने लगे, काश और ले लेते, और जिसके पास कुछ नहीं था वो हाथ में लेने लगे। इसी तरह यह सुरंग दुनिया की तरह है, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारा नेक अमल हीरे की तरह चमकेंगे, नेक अमल हीरे की तरह कब्र में चमकेंगे। ये दुनिया अमल की जगह है, आखिर अमल के नतीजे की जगह है, लेकिन कब्र में माल नहीं अमल कमाते हैं। हर इंसान के तीन दोस्त होते हैं, एक दोस्त क्या काम में तेरी जिंदगी के साथ में रहूंगा, वो क्या है, वो है माल, माल कहता है मैं तेरे जिंदगी के साथ रहूंगा लेकिन तेरे मरने के बाद मैं जुदा हो जाऊंगा। माल दौलत जरूरी है, जरूरत है जिंदगी के लिए, माल को दौलत को जरूरत में रखो, ख्वाहिश मत रखो, इसी के जरूरतें गरीबों की पूरी हो जाती है, ख्वाहिश जिंदगी के लिए पैसे के बजाय ना बच्चा दुनिया में आता है ना उम्र से मिलने जाता है, लेकिन जरूरत में रखो। खबर में आ सकता है, काम आ सकता है, जब हम सही इस्तेमाल करेंगे, जब माल का सही इस्तेमाल होगा ये माल भी काम आएगा। एक दोस्त कहता है मैं तेरे जिंदगी के साथ रहूंगा, दूसरा दोस्त कहता है मैं तेरे खबर तक रहूंगा, खबर के बाद हम जुदा हो जाएंगे, वही होगा उसके बाद कपड़े के अंदर कोई नहीं है, कोई औलाद नहीं है। नेक औलाद दुआ करें, नेक औलाद हर एक की बस की बात नहीं है, अगर नेक औलाद हो तो खुश नसीब है। तीन अशख़ास खुश नसीब है, एक गोचर जिसकी औलाद नेक है, नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत है, ये सबकी बस की बात नहीं है। एक ज़ईफ़ा नाबीना थी, नाबीना ज़ईफ़ा, वो हकीम के खिदमत में हाजिर हुई, कहा कि मैं नाबीना हूं, मुझे बीना ही चाहिए, मैंने सुना कि आपकी दुआ कबूल होती है, लिहाजा आप मेरे हक में दुआ करें कि बीना ही आ जाए, और मेरी बेटी लावला दे औलाद नहीं है, आप मेरी बेटी के हक में भी दुआ दीजिए ताकि साहब औलाद हो जाए, और तीसरी दुआ यह है कि मेरा बेटा गरीब है, आप दुआ करें कि साहबे दौलतमंद हो जाए। तीन दुआएं, एक बिनाई के लिए, एक साहबे औलाद के लिए, और तीसरे दौलत के लिए। तो हकीम साहब ने कोई एक दुआ मांगो, कोई एक दुआ मांगो, आप करें तो क्या करें, बेटी कह रही है लोग ताने दे रहे हैं हमारे लिए औलाद मांगो, बेटा कह रहा है मुफ्लिसी की जिंदगी गुजर रही है दौलत मांगो, ना बेटे ने मां का ख्याल किया, ना बेटे ने मां का ख्याल किया, मां ने हकीम साहब की खिदमत में एक ही दुआ कहा, हकीम साहब सुनिए, एक दुआ, सोने के झूले में अपनी नवासी को देखना चाहती हूं, सोने के झूले में दौलत आ गई, नवासी को औलाद हो गई, देखना चाहती हूं बिना ही आ गई, औलाद भी आ गई, दुनिया भी आ गई, सोने
नैन बीबी हरिया को नसीब नहीं होती। ये बड़ी सबसे बड़ी नेमत है, इस नेमत को संभाल कर रखना है। मिल जाए तो खा लेते हैं, कुछ ना मिले तो भूखे रह जाते हैं।
रोजी रोटी कौन कमाता है? कोई नहीं कमाता, कोई नहीं कमाता। हम अल्लाह के भरोसे पर आए हैं, कुछ दिए कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, कुछ ना मिले तो सब कर लेते हैं। तो मौलाना फरमाया ऐसा काम तो शहर के कुत्ते भी कर लेते हैं, मिल जाए तो खा लेते हैं और ना मिले तो सब कर लेते हैं। तो गुरु ने कहा कि मौला हम करें तो क्या करें? मौला ने कहा जैसा हम करते हैं, मौला आज क्या करते हैं? कहा कि हम मिल जाए तो राया खुदा ने हद करते हैं, ना मिले तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ना मिले तो खुदा का शुक्र। ऐसा मत कीर्ति जुमला के हवाले करो, आज के मरीज का व्यक्ति तो पाए किसी की जिंदगी को जहन्नम बनाकर सजदे में जन्नत ढूंढने से जन्नत मिलने वाली नहीं है। मैं जा माँ बाप की खिदमत कर,
मौलाना की खिदमत कर, मौलाना की खिदमत कर, जिसने कहा मौला मौलाना की खिदमत, कितनी सारी चीजें मौलाना की खिदमत से, मौलाना फरमाए ये तो दुनिया है आखिरत भी इसी से है। ये तो दुनिया है आखिरत भी इसी की खिदमत से है। बोलने से पहले सबसे अच्छा इंसान हो और वालदैन को लेने के बाद
अक्सर माँ बाप की दवाई की जितनी खूब हो जाती है वसीयत नामा रह जाता है, वसीयत की चिट्ठी रहती है लेकिन दवाई की चिट्ठी ऐसे खो जाती है। नजर मत रख, पांच मिनट इसके अपराध वो औलाद है जो बोलने से पहले नहीं, बोलने के बाद बोलने से पहले देना चाप देती है। आप चाप दे रहे हैं, देने के बाद किसी से ना कहे मैंने माँ बाप के लिए ऐसा किया, ना कहे किसी से ना कहे कि हो सकता है इसलिए कि माँ बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी इज्जत खुदा के हाथ में है। तुम्हारा पास है दे रहे हैं, कोई कमाल नहीं है, कमाल यह है कि जिसके पास कुछ ना हो फिर भी दे रहे हैं। ये सिफत मरुमा के पास थी, मरुमा के पास कुछ नहीं है फिर भी जिस घर में जाती थी तब उन तस्लीम कर देती, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, जिस घर में जाती थी कुछ ना कुछ लेकर आती। कुछ ना कुछ चाहे बच्चों को चाहे घर वालों को, और मरमा में यह सिफत थी कि जब तक आगे वाले बात ना करे अपनी जबान नहीं खोलती थी। हदीस में भी है, लंबा धागा और अपनी जबान को सिमट कर रखो, इसलिए कि ज्यादा धागा खुल जाए तो उलझ जाता है, जबान खुल जाए तो खतरनाक है। लिहाजा धागा लिमिट कर रखो, जबान को सिमेंट कर रखो, जब जरूरत हो बोले। मरहूमा की मगफिरत के लिए आवाजें बुलंद, नारे सवाल। मरहूम इतनी खूबियां जो हमने देखा अपने आंखों से देखा, इतनी सखावत, इस सखावत जिन्होंने शरीफ फातिमा ज़हरा के दर से सीखा है, इसलिए वो करीम इब्ने करीम का दरवाजा है जहां से लोग इल्म हासिल करते हैं, जहां से लोग रिस्क हासिल करते हैं, वो दरवाजा जहां पर रिस्क बढ़ता हो, जहां पर इल्म बढ़ता हो, जहां से इल्म बढ़ता हो, क्या वो दरवाजा आखिर लायक था? सालमान मजदार को आप के हवाले कर दिया, एक दर और दूसरे दीवार और तीसरा आग, दर दीवार और आग तीन मुसीबत है, दर और दीवार के दरमियान फातिमा ज़हरा इस तरह फंसे कि फातिमा ज़हरा की फसलियां टूट गई। मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ईरान में कालिम दीन ने शहरी फातिमा ज़हरा के मसाइल पढ़ा, मजलिस खत्म हो गई, शख्स गिरिया कर रहा है, गिरिया खत्म नहीं हो रहा है, तबरुक भिज गया, दस्तरखान भिज गया, दिन नहीं रो गिरिया वो जाहिर कर रहा है, उसका रोना खत्म नहीं हो रहा। आलिम दीन उसके करीब ने कहा कि किस जुमले ने तुमको रोना मजबूर कर दिया? शख्स ने कहा कि मौलाना मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर एक हड्डी टूट जाए, अगर दिल जाए तो दर्द होता है, लेकिन एक फसली टूट जाए तो हर सांस मौत है। फातिमा ज़हरा की सारी फसलियां टूट गई, नहीं मालूम कि फातिमा ज़हरा बच्चे का दिल कैसे जिंदा रही। मदीने में आग लगा दी गई, इज्जत को आग इस आग की चिदरे खैमों तक पहुंची, इधर भी आग लगा दी गई, करबला में आग लगी, इधर दरवाजे को आग लगाई गई, इधर करबला के घर में खैमों को आग लगाई, इधर भी बच्चे यतीम हुए, उधर भी बच्चे यतीम हुए, इधर वहां उधर यहां रसम बसता, उधर फिर रसम बसता, ये अनंत की मुसीबत जो किसी में दरवाजा में भी नहीं है, वो फातिमा ज़हरा में वो मोहसिन की शहादत। अल्लाह अकबर, मोहसिन की शहादत यही वजह है कि फातिमा ज़हरा को कहना पड़ा सुबह अलैहि मसाइब व नहार। सारी मुसीबतें
दिन पर पड़ती शफायतारी में तब्दील हो जाती। कितनी मुसीबतें, कितनी मुसीबतें टूट पड़े कि 18 साल के जवानी में फिर ज़ैबा हो गई। 18 साल उम्र ज़ैबा की कितना उम्र में बाहर सफेद हो जाते हैं, कमर सफेद हो जाती है और हाथ में आता आ जाता है। अगर दिलों में ना हो तो फातिमा ज़हरा ने देखो बाहर ही सफेद हो गए, कमर सफेद आ गई और हाथ में आता भी। जब भी फातिमा ज़हरा मसले पे बनती दीवार का सवाल ही नहीं है। एक हाथ से उन्होंने मर जो मसाहे मदीने में पड़े वही मसाहे करना नहीं पड़े। दो इमाम है, एक इमाम अली एक इमाम हुसैन, ये भी मुसाफिर है ये भी मुसाफिर है, ये भी गरीब है ये भी गरीब है। जब अली की शहादत का वक्त आया तो अली ने जनाब ज़ैनब को जगाया, जब हुसैन की शहादत का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने जाती हुई सकीना को सीने पर सुलाया। ये भी इमाम वो भी इमाम वो भी बदर ये भी बदर में क्या वजह है कि एक इमाम ने अपनी बेटी को जगाया रिश्तेदारों को बुलंद दर्जा से इनायत हमारी से इबादत कबूल और तमाम हाजिरीन के गुनाह माफ करना, तमाम हाजिरीन को नमाज का पाबंद बना दे, तमाम हाजिरीन को हज दरसम शरफ करना, खुसूसन करबला की दरसम शरफ करना, हमारे इमाम ज़माना की ज़ुर्म ताजील करना और उनके लश्कर में हम सबको शुमार। Thank you.